Today we learn new chapter in EVS and our chapter name is Growing Up. Listen to me students. Day by day we are growing. Every day हम लोग grow होते हैं ना. जब हम लोग हम लोगों का born हुआ तब हम लोग कितने छोटे थे, है ना? तो day by day we are growing. पहले हम छोटे बच्चे थे, फिर धीरे 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 हमारा ग्रो अप हुआ और हम बड़े होते गए, है ना? A newborn is called a baby. हम जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेबी. यू वेर अ बेबी वेन यू वेर बॉर्न. जब आपका बॉर्न हुआ था ना तो आप भी बेबी थे ना. द बेबीज ग्रो अप विथ टाइम. हम लोगों को ग्रो होने में टाइम लगता है और ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है. छोटे से बड़े होने में काफी टाइम जाता है और धीरे 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 हम लोग ग्रो अप होने लगते हैं. तो देखो, मैं आपको एक चार्ट है वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखो उसमें कैसे ग्रो अप होता है. ठीक है, मुझे बताओ आपको स्क्रीन दिख रही है? हेलो स्टूडेंट्स. यस आपको आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस. ओके, वेरी गुड. चलो मुझे बताओ आपको स्क्रीन देख के क्या समझ में आ रहा है? आपको मुझे बोलना है बेटा कि आपको स्क्रीन देख के क्या समझ में. हाँ चलो, ग्रो अप हो रहा है तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ग्रोइंग अप. तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि कैसे ग्रो हो रहा है ना? पहले वो छोटा बेबी था. चलो अभी मैं आपको पूछती हूँ, सबने स्क्रीन देखी? Yes. देखी ना? उसमें एग्जैक्टली आपको मैं यही समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले देखो आपको ओल्ड एज दी है. ओल्ड एज मतलब हम छोटे थे तब. सेकंड में आपको यंग मतलब हम अभी हम बड़े हो रहे हैं. फिर इसमें आपको यंग बताया है देखो. फिर चाइल्ड, एडल्ट एंड इन्फेंट. तो हमें सीखना क्या है कि ग्रोइंग अप कैसे होता है हमारा. पहले हम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, उसके बाद हमारी लास्ट एज आती है. तो हम लोगों को यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं देखो एज वाइज. तो आपको आपकी बुक में मैच द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ टू द करेक्ट पिक्चर. आपको फोटो देख के करेक्ट एज पे आपको ज्वाइन करना है. तो सबसे पहले कौन सी एज दी है आपको? ओल्ड एज. कौन सी एज दी है? ओल्ड एज. ओल्ड एज दी है? नहीं, ओल्ड एज नहीं दी है. देखो मैंने अभी आपको एक स्क्रीन शेयर की, उसमें आपने देखा कि ग्रो अप कैसे होता है. ग्रो अप वाला मैंने आपको एक चार्ट दिखाया. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब ग्रो होती है. जैसे कि प्लांट, सीड्स हम डालते हैं तो वो भी धीरे 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 ग्रो होने लगता है. ठीक है, अभी देखिए नीचे. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बेबी Twinkle when she was born. She was a baby then. She was not able to take care of herself. Her mother and father looked after her. अभी देखो ये newborn baby की बात की गई है आपको. जब हम छोटे होते हैं तो हम हमारा काम खुद नहीं कर सकते. हमें क्रेडल से उठाने में, फिर नीचे से उठाने में, चलाने में हमारी कौन मदद करता है? हमारे
मम्मी पापा, हमारी मम्मी हमको सिखाती है ना सब कुछ, कौन सिखाता है? मम्मी पापा, चलना खाना पीना, तो ये सारी जो एक्टिविटीज है वो हमारे मम्मी पापा हमको सिखाते हैं, ठीक है। अभी देखो, नाउ ट्विंकल इज 6 year old, नाउ ट्विंकल इज 6 years old, शी हैज बिकम अ यंग चाइल्ड। देखो 6 year, कितने एज की बात की? 6 year की, तो शी हैज बिकम अ यंग चाइल्ड, वो क्या हो गई? अभी यंग चाइल्ड हो गई, न्यूबॉर्न बेबी था उसमें से वो सिक्स ईयर का हुआ, तो वो अभी क्या है? यंग चाइल्ड। ओके, चलो आपको है ना आपकी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करो पेंसिल से, शी हैज बिकम अ यंग चाइल्ड, 6 year लिखा है ना, पहले आप लोग 6 year के नीचे अंडरलाइन करो 6 year। देखो ये वाली लाइन यहां पे 6 year लिखा है, तो वहां उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है 6 year। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में 6 year स्पेलिंग लिखा है ना, उसके नीचे अंडरलाइन करो। फिर क्या लिखा है? शी हैज बिकम अ यंग चाइल्ड, तो आपको ये याद रखना है कि इतनी एज में इसको यंग चाइल्ड बोलते हैं, तो उसके नीचे भी अंडरलाइन करो शी हैज बिकम अ यंग चाइल्ड, तो आपको याद रहे जब आप लर्न करने बैठे ना, तो आपको याद आए कि हाँ ये एज में, इतनी एज में ये उसको बोलते हैं एज को, ठीक है। ओके, देखो शी गोज टू स्कूल, तो ये एज में हम क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, जाते हैं ना, 6 year के हम हो गए तो हम लोग स्कूल जाते हैं। देयर शी लर्न्स डिफरेंट थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हर, हम लोग डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारे अराउंड जो भी बनता है हम लोग सीखते हैं ना। देखना आप लोग अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एवरी डे आप कुछ नया सीखते हो ना। अभी आपने क्या सीखा? चलो अभी 5 minutes में आपने क्या सीखा? लेसन ग्रोइंग अप, मैंने आपको ग्रोइंग अप लेसन सिखा रही हूँ, तो आप लोग सीख रहे हो, तो वो क्या हुआ? आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हो एवरी डे, और ऐसे ही हमारा ग्रो अप होता रहता है, ठीक है। इन सम इयर्स, देखो पेज नंबर 15 फर्स्ट लाइन, देखो जब भी मैं रीड करूं तो आपकी उंगली नीचे घूमनी चाहिए हर एक लाइन पे। इन सम इयर्स शी विल ग्रो अप वेल एंड बिकम एन एडल्ट लाइक अ मदर। देखो अभी एडल्ट एज किसको बोलते हैं? आपकी मदर की जो एज है ना, मदर लोग होते हैं उनको एडल्ट एज, उनकी एज क्या है? एडल्ट। शी विल ग्रो अप वेल एंड बिकम एन एडल्ट लाइक हर मदर। तो देखो मैंने क्या बताया आपको कि डे बाय डे हम लोग ग्रोइंग होते जाते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं आपकी मदर की एज के, तो उनको क्या बोलते हैं? एडल्ट, ठीक है। नाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ ट्विंकल विल ग्रो ओल्ड लाइक हर ग्रैंड मदर। देखो यहाँ धीरे 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 ट्विंकल की एज बढ़ती जा रही है, और वो बढ़ती एज में कौन सी एज को क्या बोलते हैं वो आपको समझना है। अभी ट्विंकल देखो उसके हाथ में छड़ी है, तो आपको समझ में आ गया कि अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, तो वो आप कौन सी एज में है? आपकी ग्रैंड मदर, दादी है ना आपकी, वो एज में आ गई है वो, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्विंकल विल ग्रो ओल्ड लाइक हर ग्रैंड मदर। तो हमारे ग्रैंड मदर की एज क्या होती है? बड़ी होती है ना। ये चलो यहां तक सबको समझ में आया बेटा,
आवर बॉडी चेंजेस एज वी ग्रो ओल्ड. व्हेन वी ग्रो वेरी ओल्ड आवर बॉडी बिकम्स वीक. चलो मैं ये बात समझाती हूँ आपको. तो एवरीडे हम लोग जब ग्रो होते हैं ना तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं. आप देखना न्यूबॉर्न बेबी कैसा होता है, छोटा छोटा इतना नाजुक सा. फिर जैसे 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 आपके जैसा हो गया, बड़े हो गए आप थोड़े, फिर मम्मी की एज को देखो, कितने सारे डिफरेंसेस आपको देखने मिल रहे हैं. मम्मी की एज को देखो, फिर दादी माँ को देखो, तो देखना दादी माँ की स्किन ऐसे कैसी हो जाती है. मम्मी की स्किन को देखना और दादी माँ की, तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा. मैं आपको डिफरेंस समझा रही हूँ कि डे बाय डे जब हम लोग ग्रो होते जाते तो वीक होते जाते है ना. दादी माँ कितनी वीक लगती है हमको, तो ग्रो के साथ साथ हमारी बॉडी में हमें वीकनेस भी दिखाई देती है, वीक भी हम लोग होते जाते हैं. तो मुझे ये बताओ कि यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा, सारे एजेस आपको सीखने हैं ठीक है. इफ यू हैव प्रॉब्लम रेज योर हैंड एंड पूछ सकते हो आप, मैं आपको आंसर दूंगी ठीक है. चलो फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन, व्हेन आई वाज अ इन ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए हैं, बॉय और बेबी. और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, आई कुड नॉट ब्रैकेट वॉक क्राई. तो आपको डिसाइड करना है कि नंबर वन वाली जो ब्रैकेट है उसमें आंसर क्या आएगा. व्हेन आई वाज अ क्या आएगा, बेबी. हाँ वेरी गुड. तो आंसर क्या आएगा, व्हेन आई वाज अ बेबी आई कुड नॉट walk. I could not walk. Yes. Yes, very good. I could not walk. क्योंकि देखो ट्राई तो हम कर सकते थे, न्यू बॉर्न थे तब चल नहीं सकते थे हम लोग. तो आंसर क्या आएगा, वॉक. W A L K, वॉक. फर्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट में बेबी. ओके एंड सेकेंड में वॉक. सेकेंड में क्या आएगा, वॉक. तो सबको समझ में आया. नंबर टू, नाउ आई एम अ सिक्स इयर्स ओल्ड एंड गर्ल आई कैन वॉक. सिक्स इयर ओल्ड गर्ल एंड आई कैन वॉक. तो समझ में आया कि आपको फर्स्ट ब्रैकेट में आंसर लिखना है सिक्स और सेकेंड ब्रैकेट में लिखना है गर्ल. गर्ल ओके. I can ride a motorcycle or bicycle. Bicycle. Yes. Bicycle. Now you ride bicycle. तो आंसर क्या आएगा? I can ride a bicycle. आंसर लिखना है आपको bicycle. बन जाएगा. क्या आएगा, बाइसिकल. ओके नाउ नंबर फोर, आफ्टर अ फ्यू इयर्स आई विल ग्रो अप टू बी अ मैन एंड वीमेन. मैन वीमेन. यस आंसर इज विमेन. फोर नंबर में आंसर आएगा विमेन. ओके
रिमैन नहीं वुमैन। नंबर फाइव, आफ्टर मैनी इयर्स आई विल बिकम, आफ्टर मैनी इयर्स आई विल बिकम यंग और ओल्ड? ओल्ड। यस, आंसर क्या आएगा? ओ एल डी, ओल्ड, लिखो ओल्ड। फर्स्ट ब्रैकेट में आंसर आएगा ओल्ड, ओ एल डी, ओल्ड। एंड द कलर ऑफ माय हेयर विल टर्न व्हाइट और ब्लैक? व्हाइट और ब्लैक? ब्लैक। नो, ओल्ड एज में हेयर कैसे हो जाते हैं? व्हाइट, व्हाइट। Yes, answer is white. Write down white in second brackets, okay?